हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, हमने मोमेंटम तक समझ लिया था। ठीक है, मोमेंटम सेकेंड लॉ में हमने मोमेंटम तक समझा था। तो मोमेंटम का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, पी इज इक्वल टू एम वी, लिखा था कि नहीं, पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को हमने कैसे डिफाइन किया था, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम, इसके ऊपर से हमने ये यहां तक रखा था। अब हम इसका क्या करेंगे, यूनिट डिराइव करेंगे कि मोमेंटम का यूनिट क्या हो सकता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम ये हद तक हमने किया था। अब एम का यूनिट क्या होता है, केजी, एम मतलब मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी, वी मतलब वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके ऊपर से पी इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल पी लिखते हैं ना, कैपिटल नहीं, स्मॉल पी इज इक्वल टू एम का यूनिट रखो केजी मल्टीप्लाई बाय वी, उसका यूनिट लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स की मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लिख लो ये सब। यहां तक हमने लिखा था पी इज इक्वल टू एम, ये नीचे का लिख लो, मास एम का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी वी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर से मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लिया सबने। अब मैं जो आपको समझा रही हूँ वो ध्यान से देखो। ठीक है ना, अब हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, यस और नो, आता है कि नहीं। ठीक है, क्रिकेट का बॉल आपने नीचे ऐसे डाला है तो धीरे 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 आगे जा रहा है, बट उसे आप वहां से बैट से स्ट्राइक करोगे तो वो जो धीरे धीरे आगे जा रहा था उसकी जगह क्या जाएगा, जल्दी से जाएगा। दैट मीन्स की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आप ऊपर 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 आप फोर्स अप्लाई करो तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये वेलोसिटी पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम में क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, यस और नो। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी के साथ साथ मोमेंटम भी चेंज होगा। दैट मीन्स की अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने से उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और उसके साथ साथ उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। और एक चीज अब हम समझते हैं कि कार कोई चला रहा है और रोड पे सपोज की कार की बैटरी डेड हो गई तो कार बंद हो जाएगी। हमें पता है जैसे पेट्रोल या डीजल से कार चलती है वैसे उसमें एक बैटरी भी होती है, वो बैटरी भी चालू होनी चाहिए। तो अगर कार की बैटरी डेड हो गई है, ठीक है, तो कार रास्ते पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब उसे चालू करने के लिए कार को क्या लगाना पड़ेगा, पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा। तो सपोज की कार में दो लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक ड्राइवर है, टोटल तीन लोग हैं। कार में कितने हैं, टोटल तीन लोग हैं। तो एक ड्राइवर तो अंदर बैठेगा तो बाकी के दो लोग बाहर निकल के कार को पीछे से क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो पहली बार धक्का देने से डायरेक्ट कार चालू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, धक्का देना मतलब कि उस पर पुश फोर्स लगा, धक्का देना मतलब उसे पुश कर रहे हैं, तो मतलब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे बोलूंगी कि उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करने से, फोर्स अप्लाई किया और डायरेक्टली कार स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कंटिन्यू। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद वो कार स्टार्ट होगी। दैट मीन्स की वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने स्टार्टिंग में धक्का दिया तो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो गई, पर वही फोर्स आपने थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया तो वो स्टार्ट हो गया,
दैट मीन्स कि आपने टाइम इंक्रीज किया, दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, दैट मीन्स कि मोमेंटम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। और अगर मोमेंटम चेंज होता है तो उसके साथ साथ फोर्स भी अप्लाई होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि अप्लाइड फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में लाना हो तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, एंड दैट मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होगा, दैट मीन्स कि दैट चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, ठीक है। और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन फोर्स, ठीक है। तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसे थोड़े टाइम तक लगाना पड़ता है, ठीक है, तब उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टाइम, तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स, और ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कि टाइम के ऊपर चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन टाइम दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स, और ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझना, इसका एक्सप्लेनेशन तो हमारा कंटिन्यू है, उसी में ही मोमेंटम आ जाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ, स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ। अगर एग्जाम में वन मार्क में पूछा जाए कि राइट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको ये स्टेटमेंट वन मार्क में लिखना, ठीक है। अगर तीन या चार मार्क में पूछा जाए तो ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो ये आपको मोमेंटम वगैरह सब कुछ लिखवाया है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर थ्री या फोर मार्क्स में हुआ तो, ठीक है। वन मार्क में होगा तो आपको सिर्फ मैं जो अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ वो लिखो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा, ठीक
ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमें फॉर्मूला के रूप में लिखें, पर वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लेते हैं कि ले मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ले मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, तो डिवाइड बाय बी।
ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, डिपेंड्स ऑन टी टाइम। ठीक है, रेट लिखा है तो ऑब्वियसली टाइम से डिवाइड होगा ना। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये मिल गया हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये एफ से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो द अप्लाइड फोर्स एफ किसके प्रोपोर्शनल में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमने चैप्टर नंबर एट में देखा था वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए एक्सीलरेशन, देखा था कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या है वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमने एक चैप्टर में पढ़ा है। तो ये वी माइनस यू अपॉन टी की जगह पे मैं क्या रख रही हूँ, ए रख रही हूँ। ठीक है, therefore f is proportional to m a, f proportional to क्या आया a a। अब हम सबको पता है कि जब proportionality, ये proportionality का साइन है। ठीक है, जब proportionality रिमूव होके इक्वल टू आता है तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगता है। ठीक है, जब proportionality रिमूव होके इक्वल टू हम लगाते हैं तब कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगता है, तो हम लेंगे कॉन्स्टेंट k, therefore f is equal to एम ए। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी दूर करके इक्वल टू लगाया तो कॉन्स्टेंट कौन सा आया, के आया। ठीक है, अब एफ एम एंड ए सबकी वैल्यू वन होगी तब के हमें कितना मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तब के हमें कितना मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो हमें अब इफ के इज इक्वल टू वन, के वन होगा देन f is equal to m a, if k is equal to 1 then f is equal to m a, this is a mathematical formula of second law of motion। इसे क्या बोलते हैं, mathematical formula of second law of motion। ठीक है, लिख लो पूरा, यहां से स्टार्ट करना, पूरा लिख लो। ठीक है, अब लिख लिया सबने, अब हम वन यूनिट फोर्स को डिफाइन करेंगे, कितना, वन यूनिट फोर्स। ऐसे अंदर टॉपिक करके लिखना, वन यूनिट फोर्स, वन यूनिट फोर्स को डिफाइन करते हैं, वन यूनिट फोर्स इज होगा। ठीक है, तो f 1 होगा तब m क्या है, 1।
दैट मीन्स की 1 kg और a क्या है 1 दैट मीन्स की एक्सीलरेशन ऑफ 1 m/s² ठीक है। तो 1 kg मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 1 m/s² जितना एक्सीलरेशन लगे तब उस ऑब्जेक्ट पर 1 यूनिट फोर्स लगा रहे ऐसा हम बोले ठीक है। 1 kg मास के ऑब्जेक्ट पर 1 m/s² जितना एक्सीलरेशन लगता है तब वो 1 यूनिट फोर्स है ऐसा हम उसे बोलेंगे ठीक है। अब लिखेंगे हम यूनिट ऑफ फोर्स ठीक है। अब F इज इक्वल टू क्या है MA। अब मास का यूनिट क्या है मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड से ठीक है। ये दोनों इसमें रख दो तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा M का यूनिट kg और A का यूनिट मीटर पर सेकेंड से ठीक है। लिख लो ये वाला पार्ट तो आपने पहले ही लिख दिया है ये वाला यूनिट वाला लिख लो ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या मिला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से। अब नीचे एक हम सेंटेंस लिखेंगे कि द यूनिट ऑफ फोर्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आप नीचे लिखना द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जिसे दूसरा क्या नाम देते हैं न्यूटन ठीक है। न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से ऊपर नाम के सबसे पहला ये सब कुछ किसने दिया था न्यूटन ने दिया था इसलिए उसके नाम के ऊपर से फोर्स का यूनिट क्या रखा है न्यूटन ठीक है। तो ये 1 kg/s² दैट इज 1 न्यूटन ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और न्यूटन दोनों एक ही चीज है ठीक है। तो अगर आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है न्यूटन का तो पूरा स्मॉल में लिखोगे ठीक है। न्यूटन नाम है फिर भी उसका अगर आप यूनिट में यूज करते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा याद रखना ठीक है। किसी भी यूनिट का आप अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा। हाँ वो पर्सन का नाम है तो आएगा बट वो यूनिट है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा ठीक है। और आप पूरा नाम न्यूटन ना लिखो और सिर्फ सिंबल लिखना हो तो कैपिटल एन आएगा सिर्फ सिंबल होगा तो कैपिटल एन एन पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल एन से ही वो स्टार्ट होगा क्लियर ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स लिख लो तो यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड में और न्यूटन न्यूटन को अगर सिर्फ सिंबल लिखना हो तो कैपिटल एन ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में एंड न्यूटन दोनों एक ही चीज है अलग अलग नहीं क्लियर ठीक है। तो ये हो गया फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर से हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट